मध्य प्रदेश शासन पारदर्शिता से लोगों की समस्या तहसील मुख्यालय पर ही हल करने के लिए तरह तरह के जतन करने के साथ ही प्रति मंगलवार को जनसुनवाई के माध्यम से भी लोगों की समस्याओं को मौके पर ही हल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सेगांव तहसील मुख्यालय पर जनपद पंचायत के सभागृह में आयोजित जनसुनवाई में करीब 15 विभागों के विकास खंड स्तरीय अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर लोगों की समस्या मौके पर ही हल करने के निर्देश हैं। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण जनसुनवाई का खुले आम मखोल उड़ाया जा रहा है। आज मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन तो हुआ, लेकिन 15 विभागों में से मात्र 7 विभागों के खंड स्तरीय अधिकारियों के प्रतिनिधि ही मौजूद थे और 8 विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी नदारद थे। जब इसको लेकर जनपद पंचायत सीईओ डॉक्टर रीमा अंसारी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जनसुनवाई शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है। वह जो इस शिविर में नदारद थे उनके कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाएंगे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज जनसुनवाई थी, आधे से ज्यादा अधिकारी नदारद थे। पिछले 3 बार से ऐसा देखा जा रहा है, क्या कार्रवाई करेंगे? क्या जितने भी विभाग से या तो विभाग प्रमुख की तो भी अधिकांश जो है ड्यूटीज लगी हुई है, लेकिन जो आज नहीं थी उनके प्रतिनिधि नहीं थे, उनको हम जनपद की तरफ से जो है एक नोटिस जारी करेंगे और जवाब बुलवा करके फिर उन पर कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। जिम्मेदार भी आज कुर्सियों पर बैठे नहीं थे मैडम, कुर्सी खाली थी। जिम्मेदार नहीं थे, उनके प्रतिनिधित्व तो थे, अगर वो भी नहीं है तो फिर उनका भी हम जो है कार्रवाई करवाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।